हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फुल कलर पीटर मॉड्यूल के अंदर कोई भी वीडियो कैसे डिस्प्ले कराएं। वीडियो पिक्चर जेपीजी फाइल या फिर कोई एनिमेटेड जीआईएफ फाइल है, उसको आप कैसे डिस्प्ले कराएंगे अपने पीटर मॉड्यूल के अंदर, फुल कलर पीटर मॉड्यूल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सिस्टम की तरफ। दोस्तों, सिस्टम पे चलने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ये मैंने चार मॉड्यूल यूज किए हैं पीटेन के फुल कलर के, जो कि ये मैंने कनेक्ट कर रखे हैं पहले से, 1, 2, 3 एंड 4। ये पहले मॉड्यूल का कनेक्टर जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है, और ये दूसरे मॉड्यूल का कनेक्टर जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ। और मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ D15 वीडियो डिस्प्ले कार्ड। D15 डिस्प्ले कार्ड है HD का ये दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्फर वन यहाँ लिखा होगा ऊपर, यहाँ देखो आप, यहाँ पे है जम्फर वन। थोड़ा और पास में करता हूँ, आप देख रहे होंगे J1, J2, J3 एंड J4 चार कनेक्टर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट कनेक्टर हमारा यहाँ कनेक्ट होगा दोस्तों, इसमें इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहला यहाँ लगेगा, और जो सेकेंड रो होगा उसका कनेक्टर हमारा यहाँ पे लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके कनेक्शन हो गए। और साथ में इसमें एक चीज़ की और जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लैन केबल की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। लैन केबल इसलिए कि ताकि हम इसको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकें। अगर आपके पास लैन केबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं पेन ड्राइव के लिए ऑप्शन दे रखा है कि आप डायरेक्ट कॉपी करके पेन ड्राइव में अपने प्रोग्राम को इसमें फ्लैश करा सकते हैं। और अगर आपके पास लैन केबल है तो लैन केबल से कनेक्ट करके आप डायरेक्ट सिस्टम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये आपने मैंने आपको दिखा दिया, अब हम चलते हैं सिस्टम की तरफ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं, सिस्टम पर आ चुके हैं, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर जो कि है HD प्लेयर के नाम से, जो ओपन सोर्स है, जो आप आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप आसानी से इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओपन करते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर को। तो HD प्लेयर दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस है इसका, और जैसे ही आप कार्ड को HD प्लेयर कार्ड को आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ राइट साइड में जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्ड की डिटेल आ रही है, डिवाइस कनेक्टर बॉक्स प्लेयर D15। तो यही कार्ड मैंने आपको भी बताया था, सर्किट में भी बताया था कि मैं यही कार्ड यूज करूँगा। तो ये कार्ड है। अब सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में, यहाँ ऊपर देख लीजिए फाइल है, सेटिंग है, कंट्रोल है, लैंग्वेज है, हेल्प है। तो हम सेटिंग में जाएंगे, पहले हम करेंगे स्क्रीन सेटिंग को। स्क्रीन सेटिंग में दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आपको डिवाइस टाइप की जगह पे आपको डिवाइस सेलेक्ट करनी होगी, जो भी डिवाइस आपने, जो कार्ड कंट्रोल कार्ड, जो डिस्प्ले कार्ड आप यूज कर रहे हैं, उसका नाम सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको नहीं पता, अगर आपका कार्ड कनेक्ट है लैन के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, किसी भी माध्यम से अगर आपके सिस्टम से कनेक्ट है, तो वहाँ यहाँ पर नीचे वो लिख के आ जाएगा कि कौन सा कार्ड का नंबर क्या है, आपको उसी को यहाँ सेलेक्ट करना है। और अगर नहीं कनेक्ट है तो कार्ड पर आप पहले से भी उस पर मेंशन होता है कि ये कौन सा कार्ड, उसका कार्ड का नंबर क्या है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर इसकी जो विड्थ की LED काउंट है वो आपको यहाँ डालना है। जैसे हमने दो मॉड्यूल लिया है तो एक में 32 होते हैं, तो दो में 64 हो जाएंगे। और ये हाइट की, मतलब एक मॉड्यूल 32 और 16 की हाइट होती है, तो दो की हो गई 32। तो हमने यहाँ पे 32 और 16 डाला हुआ है। D15 के यहाँ नीचे आप देखो सजेस्टेड रेंज लिखा हुआ 640x64, मतलब चार लाइन आप बना सकते हैं, चार मॉड्यूल की लाइन बना सकते हैं, और उसके आगे आप 20-20 और मॉड्यूल लाइन से लगा सकते हैं। अब ऐसे ही चार के मतलब 20×80 आप लगा सकते हैं, 20 सीधा और 4 पैरेलल में। ठीक है, तो यहां से आपको इसको ओके करना है। उसके बाद आपको जाना है, अगर आपको जरूरत पड़ती है हार्डवेयर सेटिंग में, तो इसका पासवर्ड है दोस्तों 888। ठीक है, यहाँ ओके करेंगे। यहाँ पे भी आपको वही चीज दिखा रहा है कि D15 जो कनेक्ट है, इसके सारे जो रिफरेंस रेट है और जो भी ब्राइटनेस, ये जो कुछ सेटिंग इसमें ऑलरेडी कनेक्ट होने के बाद आ रहा है, इसे आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है।
इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दें। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए इसको मतलब दिखाने के लिए इस चीज़ को ओपन किया है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बंद कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ स्क्रीन दिखा रहा है, ब्लैक स्क्रीन है जिसमें आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो भी आप वीडियो डिस्प्ले कराएंगे उसके बारे में देख सकते हैं। तो सब अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम लिख के आ गया। इसके बाद अगर हमें जैसे मैंने बताया था हम वीडियो कैसे डिस्प्ले कराएंगे या फोटो कैसे डिस्प्ले कराएंगे और भी सारी चीजें इसके यहाँ ऊपर आप देखेंगे, प्रोग्राम कस्टम एरिया, वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट, एनिमेशन, क्लॉक, 3D टेक्स्ट, ऑफिस, मतलब इसमें से किसी भी चीज को आप इस वीडियो प्लेयर में हर वो चीज को ऐड कर सकते हो जो आप नॉर्मल फुल कलर LED डिस्प्ले में जहां हम सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन इस HD प्लेयर में और इस कार्ड में आप वीडियो, फोटो, सब कुछ, एक्सेल शीट, सब कुछ डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जैसे मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो वीडियो यहाँ जाएंगे हम, वीडियो पे क्लिक करेंगे। वीडियो पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का एक बॉक्स बन के आ चुका है। अगर हमने कोई वीडियो डिस्प्ले किया तो इस बॉक्स के अंदर ही है, मतलब पूरी स्क्रीन पे वो वीडियो डिस्प्ले नहीं होगा, वो सिर्फ इस एरिया के अंदर ही डिस्प्ले होगा। तो हम इसको ड्रैग करके पूरी स्क्रीन पे ले लेते हैं। अब हमें वीडियो ऐड करना है तो यहाँ प्लस के साइन पे हम क्लिक करेंगे और जो वीडियो हमें ऐड करना है उस वीडियो पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपको और अच्छा प्रीव्यू देखना है कि ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है वीडियो इंटरसेप्शन, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये है वीडियो जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे दिखेगा जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ से बंद कर देते हैं इसे। अब उसके बाद अगर आपको और कोई वीडियो इसी के साथ ऐड करना है तो दोबारा प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और दूसरी वीडियो को ऐड कर देंगे, वो इसके जस्ट आगे वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपको और कोई वीडियो ऐड करना तो आप प्लस करके इसमें ऐड करते जाएं, और अगर नहीं करना तो आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में सिर्फ एक वीडियो चले तो आप एक ही रहने दें। यहाँ से आप वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे आप चाहते हैं कि आप एक अलग प्रोग्राम में एक दूसरा वीडियो चलाना है, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग वीडियो, तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, सेम यही चीज आप इसको फुल स्क्रीन पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप दूसरी वीडियो को ऐड कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, वीडियो ऐड हो चुका है, दो वीडियो हमने ऐड किया एग्जांपल के तौर। पहला वीडियो ये है जो डांस करता हुआ है और एक है इंडियन फ्लैग हमारा। अब अगर हम इसके बॉर्डर पे कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे कोई बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो आप प्रोग्राम पे क्लिक करें। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद यहाँ फ्रेम है, फ्रेम पे आप जैसे चेक करेंगे तो एक बॉर्डर बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर के डिस्प्ले में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको इसका मतलब जैसे कलर चेंज करना, कुछ भी करना, तो आप यहाँ पे सिंगल कलर कर सकते हैं और ट्रिपल अलग कलर कर सकते हैं, जो भी चाहिए आप उस कलर में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रोटेट करना है कि ब्लिंक कराना उसी जगह पे, या फिर आपको केवल बॉर्डर डिस्प्ले मतलब ना तो ब्लिंक हो ना हो, रोटेट हो, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको फास्ट स्लो कैसे करना है, आप यहाँ पे स्लो करना स्लो कर लीजिए, अगर इसको और फास्ट करना तो फास्ट में भी कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको अगर दूसरे वीडियो पे, इस वीडियो पे कोई बॉर्डर नहीं है तो यहाँ से भी आप सेम यही चीज कर सकते हैं, तो आपका बॉर्डर भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे एक देखिए प्ले मोड दिया हुआ है, आपको हर एक वीडियो, जिस वीडियो किस मतलब जो भी जितने भी वीडियो आपने ऐड किए हैं उसको कितनी बार चलाना चाहते हैं। जैसे इस वीडियो के बारे में हम बात करें तो इसके प्रोग्राम पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ प्ले टाइम दिया हुआ, जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ये ऊपर का काउंटिंग देखिए, यहाँ पे एक है 54 सेकेंड का है जी। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, इतनी बार ये रिपीट करेगा उसके बाद नेक्स्ट वीडियो चलेगा, तो हम इसको एक बार में ही कर देते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन कितना, अगर आप इसको ड्यूरेशन और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे भी इसका टाइम वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और अगर आपको मान लीजिए आपने कई वीडियो अलग अलग डाले हुए हैं और आपको इस कोई स्पेशल टाइम के बाद ही आपको चलाना है, तो आप यहाँ चेक करें
और यहाँ से वो टाइम स्टार्ट टाइम ऐड कर दें, कितने बजे से और कितने बजे तक आपको ये वीडियो चलनी चाहिए, वो टाइम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको वीक वाइज अगर आपको करना है कि कौन सा वीडियो किस वीक में चलना, तो आप उस प्रोग्राम को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस जैसे जिस प्रोग्राम को आप सिलेक्ट करेंगे उस प्रोग्राम के अंदर अंतर्गत जो भी वीडियो होगा उसको आप वीक वाइज किस दिन आपको चलाना किस दिन नहीं चलाना, वहाँ यहाँ से आप चेक करके उसको सिलेक्ट करके उस दिन आप चलाएंगे। कोई इस पर्टिकुलर किसी डेट पे आपको चलाना है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रोग्राम या कौन सा वीडियो हमारा किस दिन चले, यहाँ से आप डेट मंथ ईयर सब कुछ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक हमारा ये प्रोग्राम चले, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि चलिए एक नया प्रोग्राम और लेते हैं इसमें, सॉरी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। अब हमने क्या एक सिंगल लाइन टेक्स्ट हमें लेनी है, जैसे नॉर्मल फुल कलर जो हमने टेक्स्ट डिस्प्ले एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था HD 2020 का, उसमें दिखाया हुआ मैंने बताया हुआ कि कैसे आप टेक्स्ट डिस्प्ले कराएंगे मतलब फुल कलर में, लेकिन ये HD प्लेयर है जो कि इसमें वीडियो डिस्प्ले करते हैं, फोटो डिस्प्ले करते हैं, GIF पिक्चर डिस्प्ले करते हैं, तो इस केस में भी अगर आपको कोई टेक्स्ट कंटिन्यू रनिंग दिखाना है या कुछ ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे नए में पुराने प्रोग्राम लेता हूँ, मान लीजिए ये हमारा वीडियो चल रहा है, अभी इस वीडियो में मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है कि जो कंटिन्यू इसके साथ में वीडियो भी चलता रहे साथ में हमारा एक टेक्स्ट भी चलता रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ सिंगल लाइन टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये देखो आपका ये ब्लॉक भी बन के आ गया है, ऐसे अब इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, आपको टेक्स्ट कहाँ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, अप साइड में चाहिए, कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे चाहिए आप उसको ये इस ब्लॉक को यहाँ पे फिट कर लें। फिट करने के बाद जो भी टेक्स्ट है आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे मान लो अब मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है जी, अब ये देख लो, अब यहाँ पे हेलो है, यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में ले लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पीड बहुत तेज है, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं एक बार, जिससे हमें काफी क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या लिखा हुआ है। अब ये देखिए, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए साइड में जहाँ 5 लिखा हुआ है यहाँ से आप इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया। अब ये हेलो हेलो ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा, और इसके डिस्प्ले का सीक्वेंस आपको किधर मूव कराना, राइट करवाना है तो आप राइट करा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इंस्टेंट रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा, मूव लेफ्ट कराना है ये धीरे धीरे आपका लेफ्ट हो रहा, मतलब जिस हिसाब से आपको मूव कराना टेक्स्ट को उस हिसाब से कर सकते हैं, कंटिन्यू करवाना है तो आप कंटिन्यू करा सकते हैं इस टेक्स्ट को। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे अगर नेक्स्ट प्रोग्राम अगर एक अलग से प्रोग्राम और आप बनाते हो, अगर वहाँ पे आपको कोई आपके पास कोई ऑफिस की कोई जैसे कोई चार्ट है या फिर कोई एक्सेल शीट है या कुछ ऐसा डेटा है जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो उस डेटा को सीधे यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हर तरीके का जो भी एक्सेल है, PPT है, जो भी चाहिए आप यहाँ पे ऐड करके डिस्प्ले करा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने चूंकि आपको बोला था कि मैं वीडियो कैसे डिस्प्ले कराएंगे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, बाकी और भी सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे आपको अगर आपको टाइमर क्लॉक ऐड करना है तो आप यहाँ से क्लॉक भी सिलेक्ट करके क्लॉक ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लॉक का कौन सी डिजाइन आपको चाहिए, क्या चाहिए, किस टाइप की चाहिए, यहाँ पे अलग अलग तरीके की आपकी क्लॉक है, जो आपको सेलेक्ट करना, जो आपको पसंद आए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल डिजिटल आपको चाहिए तो डिजिटल मिलेगा, जैसा भी आपको पसंद है उस हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए केवल एक चीज़ चाहिए LED नहीं चाहिए, आपको डे मंथ चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ठीक है, मंडे डे चाहिए नहीं चाहिए, अगर डेट मंथ चाहिए तो ठीक है, AM PM चाहिए तो उस पर चेक कर दे, नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं, तो जैसा आपको उसके साथ के साथ उसके कलर किस कलर में हो यहाँ से कलर सेलेक्ट करके उस कलर में कर सकते हैं। अब यहाँ से उसका जो भी डेट का फॉन्ट है, डेट और टाइम का, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कम या छोटा यहाँ से कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो आपको जैसा सही लगे आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। टाइम जो आप
टाइम जोन जो भी होगा आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट करें, इंडिया का जो भी दिल्ली का कोलकाता का 5:30 है तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ये होने के बाद हमें क्या करना, हम सीधे इस चीज़ को अपने, चूंकि हमारा कार्ड जो हमारा D15 कार्ड है वो हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको हम सेंड करते हैं अपने सिस्टम में। ये देखिए यहाँ पे सेंड का आ गया, अभी आपका सेंड हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी डिस्प्ले में जो हमने अभी सिस्टम में दिखाया था आपको, वो सारी चीजें यहाँ डिस्प्ले हो गई। बॉर्डर भी सेम उसी तरीके का है और सारी चीजें सेम वही पिक्चर है। बीच में जो डांसिंग एक इमेज है वो भी चल रहा है साथ के साथ। और ये आप देख सकते हैं सेम वही चीज है जो मैंने अपने सिस्टम से अपने इस मॉड्यूल में ट्रांसफर किया था। ये दूसरी फोटो है दोस्तों, जो दूसरी वीडियो है जिसके बीच में मैंने हेलो लिखा हुआ था, वो आप देख सकते हैं कि सेम जो चीज़ें हमने उसमें दिखाई थी, जो हमने सिस्टम में दिखाया था, वो इस वीडियो में भी सेम दिख रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।